participate and engage in the discussion. And please feel free to submit your questions in the chat box. And you can also ask during the Q&A session later. So I would like to give our most respected speaker, Ms. Hiba, an opportunity to introduce herself briefly and share her expertise in the field of psychology. Ms. Hiba. Hello, everyone. Thank you so much, Isha, for such a sweet introduction. As you know, my name is Hiba. I have done my BS in psychology, of course, and then I started my MPhil. I'm currently doing my MPhil from IPP, and I've worked in a lot of these institutes where I've worked with students, and I have seen a lot of things jo teenagers, O levels, A levels ke students mein usually hota hai, and then young adults mein bhi aa jata hai. I consider myself as a young adult only because I've recently graduated and everything. However, ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ वो मैंने इतना परसिस्टेंटली देखा है विच इज़ नॉट यू नो समथिंग जो हम फॉरेन से डिस्कस कर लेते हैं या हम यू नो लोगों को बताने में कंफर्टेबल होते हैं. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू सी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स किस किन वेरियस वेज में यू नो यंग एडल्ट्स एंड यू नो एडोलेसेंट्स के अंदर परसिस्टेंट हैं. ठीक है, विच इज़ वाई आई थॉट कि ईटिंग डिसऑर्डर्स इज समथिंग दैट वी शुड बी एड्रेसिंग. Because of course, you know, when you're uncomfortable, तो आप बात नहीं कर पाते उसके बारे में. So I feel like कोई भी mental health issue होता है, we should be talking about it, which is why. And also, I must add कि eating disorders के ऊपर मैंने अपना thesis भी लिखा था back in my undergrad. So I feel like it's something that we should be talking about. So Isha, should we start? Start. Thank you so much. Eating disorders in generally क्या होते हैं, अगर किसी को कुछ आइडिया हो सो ऑफ कोर्स दे कैन यू नो डिस्कस, बट बिहेवियरल कंडीशंस अगर हम इनको बोलें तो दैट्स हाउ दे आर डिस्क्राइब. एंड इसकी जो सिवेरिटी होती है उसको कैरेक्टराइज हम इसकी सिवेरिटी और परसिस्टेंस के ऊपर करते हैं. ईटिंग बिहेवियर्स जो लोगों के होते हैं उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रेसिंग थाट्स और इमोशंस के साथ आते हैं, राइट. सो these are very serious conditions. However, जो हमारी physically हमें affect करते हैं, psychologically और socially भी हमें बहुत ज़्यादा impair कर देते हैं. So there are a few types of eating disorders जिसमें बहुत common है anorexia nervosa, bulimia, binge eating and you know pica and rumination disorder and all that stuff, right? So हम एक एक करके एक एक डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे. ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं बिकॉज टाइम भी ज़्यादा हो जाता है एंड समटाइम्स इट गेट्स वेरी ट्रिगरिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल. सो वो ट्रिगर लेवल को यू नो ध्यान रखते हुए आई विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू थिंग्स. ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये स्टडीज आती रहती हैं, यूजली वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, बट रिसेंट स्टडीज जो सर्फेस हो रही हैं उसमें अराउंड 5-10% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एडोलेसेंस और यंग एडल्ट की जो पॉपुलेशन जिसके ऊपर ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो यू नो एग्जामिन किए गए हैं, रिसर्च इस पर की गई है, तो ये वो पॉपुलेशन है जिसके अंदर आपको ज़्यादातर फाइंड किया जाता है. So you get to see these things in 5-10% of the population, mostly in the West, magar ab ye bahut zyada common bhi ho raha hai. So you can say about 1-2% aapko ye eastern countries mein bhi mil raha hota hai. Anorexia nervosa or bulimia are the most common, however ye common women mein bhi hote hain. Aisa nahi hai ki men mein nahi hote but women mein hote because of the societal stuff that women also have to go through. सो ऑफकोर्स एनोरेक्सिया के अंदर जो है यू नो एक एक्सट्रीम सी लोगों के अंदर वो आ जाती है कि यू नो दे सेल्फ स्टार्व एंड देन यू नो देयर इज अ थिंग कि हमें वेट लूज करना है सर्टेन एज तक, एक सर्टेन वेट हमें रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. सो अराउंड जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं स्पेशली एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया, ये वुमेन में स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द एजेस ऑफ 12-35. इट्स नॉट लाइक कि यही एज ग्रुप होता है जहाँ पे होता है, बट हाँ यहाँ पे ज़्यादा होते हैं. ऑफ़ कोर्स इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सर्टन फूड से रिलेटेड होते हैं और इसके साथ एंग्जाइटी भी बहुत होती है. सो ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ईटिंग डिसऑर्डर्स अकेले नहीं इमर्ज होते हैं, वो किसी ना किसी साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ इमर्ज होते हैं. सो उसके अंदर आपका OCD भी आ जाता है, एंग्जाइटी भी आ जाती है, आपकी और थिंग्स लाइक I'm forgetting that, which is a very bad thing. कि मैं भी main चीज़ ना भूल रही हूँ, but it'll come to me anyway. तो you know it's with another eating disorder, another psychological disorder.
हाउएवर इसमें जो हमारी जो प्री ऑक्यूपेशन होती है वो फूड के साथ होती है, हमारी शेप के साथ होती है, वेट के साथ होती है. सो एंगजाइटी दैट इज रिलेटेड टू फूड और वेट और शेप, ये हमारे ईटिंग कॉन्सिक्वेंसेस को ना थोड़ा सा शेप करने लग जाती है. तो हेलो सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है. हेलो यस मैम, हमें आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करिए. आवाज़ आ रही है? अच्छा, मेरा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा था इसलिए, सॉरी. सो अगेन लाइक आई मेंशन वो को नो इट्स ओके. या सो लाइक आई मेंशन वो को अकर हो रहे होते हैं, ठीक है, विद अदर स्टफ, इवन अल्कोहलिक और जिनको सब्सटेंस अब्यूज करने की आदत होती है उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है. ऑफ़ कोर्स इसमें जीन्स और जो हमारी हेरिडिटरी स्टफ होता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. वाई? बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस, बट आर जीन्स बेसिकली, अगर जैसे होता है ना डिप्रेशन किसी के अंदर आ जाता है, जनरेशनल ट्रामा होता है, एंड ऑल दैट स्टफ, सो इट काइंड ऑफ जस्ट कम्स आउट इन द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट योर मॉम और योर डैड दे नीडेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एन ईटिंग डिसऑर्डर, बट हाँ, देयर बिहेवियर और देयर थॉट्स टूवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ फूड मे कम इनटू यू, एंड देन यू नो यू कैन हैव लाइक अ मोर एडवांस्ड सॉर्ट ऑफ एन ईटिंग डिसऑर्डर जो प्रीवियसली उनको शायद ना हो. तो जेनेटिक्स भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे होते हैं. ऑफकोर्स इसकी ट्रीटमेंट तो अवेलेबल होती है, बट ट्रीटमेंट से पहले इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज पीपल डोंट नो. आई मीन बुलीमिया में आई डोंट इवन आई हैवन सीन एनी वन हु एक्चुअली अंडरस्टैंड्स व्हाट बुलीमिया इज. आई मीन दे जस्ट ईट एंड देन दे यू नो दे ट्राई टू पर्ज. तो इसमें पर्जिंग भी बहुत होता है. सो पर्जिंग के अंदर व्हाट यू डू इज यू ईट, just like in binge eating for example, you eat a lot, ek dusre ke piche you eat, you get the taste or whatever, and then you know aap apne throat mein finger dal ke you purge out the food, right, you vomit and all that stuff. So of course ye sab cheeze in sab mein aa rahi hoti hain. isme aapki malnutrition bahut zyada ho jati hai, like I said purging behaviors jo hote hain wo bahut zyada you know gastrointestinal problems create कर देते हैं, heart issues create कर देते हैं. तो इस problem के deny करने से better है कि हम इसको जो है face करें, right? तो eating या हमारा weight जो होता है, it is a very relative thing, right? It is something that we can control. However, जब हम इसको control नहीं कर पाते हैं, लोग जो है फिर they run towards you know these unhealthy behaviors when they're constantly told that they're not good enough. So this is a factor that I also noticed when I was doing my study in my thesis. कि ईटिंग डिसऑर्डर्स इन जनरल क्यों हो रहे थे. पहले तो उनको पता ही नहीं था कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, या उनको या जो उनका बिहेवियर है वो एक डिसऑर्डर में आ सकता है. बट व्हेन दे अंडरस्टूड व्हाट इट वाज, जो काफ़ी यू नो आराम आराम से मुझे उन्हें समझाना पड़ रहा था, आई नोटिस्ड कि मोस्ट ऑफ देम वर डूइंग द सेम थिंग. यू नो most of them were just looking at themselves in the mirror and they were just like saying ke, you know I'm not good enough, I don't look good, I shouldn't be eating this, acha maine cheese bahut zyada kha liya, maybe I should you know start dieting and all that stuff. So yeah, of course this is a thing ke aap ek healthy eating rakho, but healthy eating mein aur apne aap ko nuksan pahunchane mein, you know there's sort of two different things, right? Types of eating disorder mein again ab hum isko thoda sa detail mein leke chalte hain. Anorexia nervosa ko sabse pehle टैकल करेंगे. इसके अंदर हम ऑफकोर्स सेल्फ स्टार्वेशन होता है और वेट लॉस हो रहा होता है, एंड यू नो एंड दीज पीपल आर लो इन वेट और एज भी इन लोग की कम होती है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि लाइक आई टोल्ड यू 12 to 35 ईयर्स वाली एज के जो लोग होते हैं उसके अंदर भी जो ज़्यादा यू नो यू विल सी पीपल इन देयर 18-19 ईयर ओल्ड्स इन सब में बहुत कम आपको मिलेंगे, जो आपको 30s में या लेट 20s में आपको इसके लोग मिलेंगे. यूजुअली ये 20-25 या 15 से लेके 25 तक में ज़्यादा कॉमन होता है. एनोरेक्सिया हाउएवर इसका मोर्टैलिटी रेट भी ज़्यादा होता है. इसका जो साइकियाट्रिक डायग्नोसिस होता है उससे यूज करके हम जो इसकी कोई सीरियस कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं. दैट इज अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा हमें मिल जाता है तो उसके बाद जाके है हम दूसरे डिसऑर्डर्स को दूसरे ईटिंग डिसऑर्डर्स को सॉरी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जो डाइटिंग बिहेवियर एनोरेक्सिया नर्वोसा में आता है वो एक इंटेंस फियर में आता है कि यू नो वी आर गेनिंग वेट और वी आर बिकमिंग फैट इवन दो यू आर नॉट. इन लोगों की जो जिन लोगों को एनोरेक्सिया होता है वो ओवरवेट नहीं होते हैं, वो
जिस आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड बिकॉज़ यू नो फैट शेमिंग के सेंस में आता है, बट वो फैट नहीं होता. जिस तरह लोग अपने आप को कहते हैं ना कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, यू नो माय टमी इज टू बिग, माय हैंड्स आर टू बिग, यू नो थिंग्स लाइक दैट. वी कीप टेलिंग आवरसेल्व्स कि यू नो वी मस्ट वर्क आउट एंड ऑल दैट स्टफ. सी नाउ लुकिंग एट योरसेल्फ इन दिस वे, यू नो maybe I'm gaining weight and I need to start working out and you know go for a healthier diet jiske andar hum greens bhi, vegetables, fruits sab cheez include karte hain, not just unhealthy stuff. And then hum apni routine, sleeping routine jaise ho gayi, circadian rhythm, rhythm ko hum sahi kar rahe hote hain, so that all comes in a healthy diet, right? But agar hum is specific dieting behavior ko dekhe anorexia ke andar, the all they do is ke you know we're fat even though they're not. I mean inka BMI jo hota hai wo kafi normal hota hai and it is not necessary for them to you know be extremely overweight, but then that's how they see themselves. Or anorexia jo hota hai isme people are trying to lose weight in every way possible, so then since they do not have anything else in control to wo apne food ke ways mein apne aap ko kam kar rahe होता. तो इसके अंदर पर्ज का जो होते हैं बाय वॉमिटिंग, लैक्सेटिव का मिसयूज भी हो रहा होता है, और लोग जो होते हैं इसमें बिंज ईटिंग भी कर रहे होते हैं, तो एक साथ इकट्ठा बहुत सारा खा के देन द वॉमिट. सो ऑफ कोर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनोरेक्सिया. एक रिस्ट्रिक्टिव टाइप होता है, इसके अंदर इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो प्राइमरीली अपना वेट लूज कर रहे होते हैं by dieting or fasting or excessively वो लोग जो है ना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि वो उनके लिए नुकसान देने लग जाते हैं. इन द सेंस लाइक यू नो हमारी बॉडी थोड़ा सा ही यू नो अंडर वो प्रेशर ले, प्रेशर इन द सेंस लाइक वो थोड़ा सा ही यू नो वर्कआउट में अपने आप को फिक्स कर सकती है, एक वर्कआउट की रूटीन में फिक्स कर सकती है. हाउएवर जब इस ईटिंग डिसऑर्डर के लोग जब वर्कआउट करने लग जाते हैं वो एक्सेसिवली करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि वो अपनी बॉडी को टायर करने लग जाते हैं. एंड देन द न्यूट्रिएंट्स दैट दे नीड अपनी बॉडी को यू नो चलाने के लिए, अपनी बॉडी का प्रॉपर ब्रेन का फूड, बॉडी की फूड वो नहीं देते, वो उसके अंदर ना वो खाएंगे सही से, और वो जब वर्कआउट करेंगे इफ सम ऑफ देम डू तो इतना ज़्यादा एक्सेसिवली करेंगे कि देन इट स्टार्ट्स टू यू नो अफेक्ट देम. आपको फिर इस तरह के लोग मोस्टली ऐसा होता है कि फिर यू नो दे आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स एंड दिस एंड दैट, तो यहाँ तक नौबत आ जाती है. सेकंड जो उसका टाइप होता है वो बिंज ईटिंग कहते हैं या इसको पर्जिंग कहते हैं. तो इसके अंदर मोस्टली बिंज ईटिंग होती है और फिर पर्जिंग बिहेवियर्स आ जाते हैं. सो ओवर टाइम जो सिम्टम्स होते हैं ये स्टार्वेशन में डिवेलप होने लग जाते हैं और पर्जिंग बिहेवियर्स में आ जाते हैं. सो ऑफकोर्स अगर फॉर अ वुमन मेंस्ट्रुअल पीरियड सबसे ज़्यादा जो हैं वो अफेक्ट होते हैं. वाई? बिकॉज यू नो एक हेल्दी आपका जो लाइफ स्टाइल होता है ये उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स. बट ऑफकोर्स दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, तो फिर हमारा जो साइकिल होता है वो भी डिले होता जाता है. एंड देर आर स्टडीज, देर आर पीपल हु आर सेइंग जिनको एनोरेक्सिया था एंड दोज पुअर थिंग्स डिड नॉट हैव देयर पीरियड्स फॉर ओवर अ ईयर. सो दैट्स द थिंग, योर बॉडी इज अफेक्टेड टू दैट लेवल. फिर ऑफकोर्स डिजीनेस हो रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, हेयर और नेल्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है, इंटॉलरेंस आ जाती है टूवर्ड्स कोल्ड. सो इवन इफ यू सिटिंग इन अ हॉट रूम यू डोंट हैव एनफ फैट इन योर बॉडी जो आपको जो है वार्म रख सके, राइट? तो आप जितनी भी चीज़ें पहन लेते हो यू स्टिल फील कोल्ड बिकॉज द बॉडी इन इटसेल्फ इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द वार्म्थ दैट यू नीड. तो मसल वीकनेस भी होती है, वेस्टिंग भी होती है. सो आई फील लाइक कि जो वो आपने देखे ही होंगे इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रहा होता है एनोरेक्सिक लोग, वो इतने ज़्यादा थिन हो जाते हैं कि यू कैन जस्ट लाइक सी, यू कैन काउंट एनाटोमिकली आप उनके ऊपर बोन्स देख सकते हो. एनीवे उसके अलावा हार्ट बर्न हो रहा होता है सिंस देयर यू नो फर्स्ट उनका जो रिएक्शन होता है टुवर्ड्स फूड वो खाना एंड देन दैट्स यू नो वॉमिटिंग. तो उनका जो हार्ट बर्न होता है या रिफ्लक्स होता है उसकी वजह से जो उनका इसोफेगस होता है, अंदर जो इंटेस्टिनल एरिया होता है वो सारा भी मेडिकली ख़राब होने लग जाता है. इनको सिवियर कॉन्स्टिपेशन भी होती है, ब्लोटिंग भी होती है टुवर्ड्स द स्टमक एरिया. एंड थोड़ा सा खा के ऑफकोर्स दे फील फुल, बट देन क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस तरीके से वो कर लिया होता है, फंक्शन कर लिया होता है, उस तरीके से अपने आप को अकस्टम कर लिया होता है. तो ऑफकोर्स अब यहाँ पे जब आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और फिर आप एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हो तो क्या होगा, जैसे फ्रैक्चर्स होते हैं, बॉडी जो होती है वो बोन्स जो होती हैं ब्रिटल होने लग जाती हैं. तो ऐसे लोगों के अंदर जो होती है ना थिनिंग ऑफ बोन्स भी जल्दी होने लग जाता है. सो ऑफकोर्स एक हेल्दी इंसान के अंदर ये एक
कॉमन चीज नहीं है, बट अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू एनोरेक्सिया नर्वोसा जो उसको है और डायग्नोस्ड है व्हाटएवर, तो वो जो है थिनिंग ऑफ बोन्स में भी आ जाता है. तो थिनिंग ऑफ बोन्स का मतलब यही होता है राइट, कि योर बॉडी इज नॉट एबल टू सपोर्ट यू प्रॉपरली. उसके बाद डिप्रेशन भी होता है, इरिटेबिलिटी होती है, पुअर कॉन्सेंट्रेशन दैट यू नो एंड फैट्स. ऑफ कोर्स इसकी सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, अब हार्ट नॉर्मैलिटीज होने लग जाती हैं लोगों को, ओवरली जब लोग लैक्सेटिव्स खा रहे होते हैं तो किडनी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, सीजर्स आ जाते हैं, बहुत सारे इशूज हो जाते हैं. सो एक जगह फिजिकली भी उसको मेडिकली जिसको हम बोल रहे हैं मेडिकली भी आप सफ़र कर रहे हो और फिर आप मेंटली भी सफ़र कर रहे हो. तो एनोरेक्सिया की जो ट्रीटमेंट होती है वो यूजली इन्वॉल्व करती है यू नो यू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग ईटिंग एंड वेट कंट्रोल बिहेवियर्स. सो इसमें क्या होता है कि हम जो वेट होता है उसको हमें एक रिस्टोर करने लग जाते हैं. तो ऑफकोर्स मेडिकल एवेल्यूएशन चाहिए होती है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ एनी को अकरिंग साइकियाट्रिक और मेडिकल कंडीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट जब इसकी ट्रीटमेंट प्लान हो रहा था. तो ऑफकोर्स हम एक न्यूट्रिशनल प्लान बनाते हैं लोगों के लिए, ठीक है, जो फोकस कर रहा होता है इनको इनकी एंगजाइटी को काउंटर करने के लिए अबाउट ईटिंग. सो यू नो वी स्टार्ट प्रैक्टिस अ वे जिसके अंदर ये कंज्यूम करने लग जाते हैं फूड विच इज़ यू नो वेल बैलेंस्ड बेसिकली, और इनका रेंज ऑफ फूड्स भी डिफरेंट कैलोरी के साथ आ जाता है. तो डिफरेंट कैलोरी डेंसिटीज़ के जो फूड होते हैं अक्रॉस द यू नो जो फूड पिरामिड होता है उसके अकॉर्डिंग इनके न्यूट्रिशनल प्लान बनने लग जाते हैं. सो ऑफकोर्स फॉर एडोलेसेंस यू नो टीनेजर्स जो होते हैं ग्रोइंग एज जो होती है इसके अंदर खाना बहुत नेसेसरी होता है, और अगर आप उसी लेवल पर जो है अपने आप को वो कर लेते हो क्या नाम है जब आप देखने लग जाते हो कि ये सारे लोग आई एम सॉरी आई जस्ट लॉस्ट माई थॉट्स बिकॉज मैंने नीचे क्वेश्चन पढ़ लिया था. आई विल गेट बैक टू योर क्वेश्चंस. ऑलराइट खैर, सो एडोलेसेंस लाइक आई वाज सेइंग कि ग्रोइंग एज के अंदर जब भी अपने आप को स्टार्व करने लग जाते हैं फॉर फूड एंड एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन रिटर्न इज कि इनकी बॉडी जो है वो उस तरीके से ग्रो भी नहीं कर रही होती. सो इफ यू सी अ पर्सन हुज एनोरेक्सिक देयर बॉडी एंड अ पर्सन हु इज नॉट एनोरेक्सिक हुज हैड लाइक अ प्रॉपर लाइफस्टाइल हुज यू नो हैड दे वर यू नो दे हैड प्रॉपर फूड एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, तो उनकी इवन ग्रोथ में भी फर्क नजर आता है, नॉट ओनली डेवलपमेंट इन द ब्रेन बट ग्रोथ इन जनरल. यस, सो इसमें इसकी ट्रीटमेंट के अंदर जो है हेलो Is it still breaking now? Okay. So, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर हम एड्रेस कर रहे होते हैं कि बॉडी डिससेटिस्फैक्शन क्यों है. सो अगैन लाइक आई सेड ईटिंग डिसऑर्डर्स किसी और डिसऑर्डर के साथ होते हैं तो वो ट्रीटमेंट प्लान भी उसके साथ चल रहा होता है. सो यू आर डीलिंग विद ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट प्लान एंड देन यू आर ऑल्सो ट्रीटिंग एनी अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर दैट इज़ हैपनिंग टू द पर्सन. सो अगर केस होता है सिवियर एनोरेक्सिया का व्हाट हैपेंस इज कि इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो और डिफरेंट हो जाती है. फिर यू नो द पर्सन हैज़ टू स्टे इन अ हॉस्पिटल एंड देन इसका रिलैप्स होने का भी बहुत सारे चांसेस होते हैं. सो ऑफ कोर्स अ पर्सन हु हैज़ सिवियर एनोरेक्सिया तो उनके लिए ये वाली ट्रीटमेंट प्लान ऑफ कोर्स यू नो नेचुरली इट वोंट वर्क राइट. तो फिर उनको साइकियाट्रिक फैसिलिटीज़ में भी डालते हैं. वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में साइकियाट्रिक फैसिलिटीज़ नहीं है बट देर इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि यहाँ पे इतना सिवियर भी नहीं होता है बट ऑफकोर्स देर इज सम स्टफ टू अ सर्टन लेवल. लेट्स टॉक अबाउट बुलीमिया. बुलीमिया जो होते हैं जिनको बुलीमिया नर्वोसा होता है दीज आर दोज पीपल जो सेफ फूड्स की तरफ जा रहे होते हैं ठीक है एंड दे सॉर्ट ऑफ बिंज ईट ऑन थिंग्स जिसके क्या कहना चाहिए हाई कैलोरी फूड्स जो नहीं होते उनके ऊपर. सो दे ट्राई टू ईट मोर ईट लेस बट दे कैलोरी इनटेक इज मोर लाइक जो खाना वो खा रहे होते हैं उसका जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का कैलोरी इनटेक ज़्यादा होता है. दिस इज दैट इज समथिंग दैट दे लाइक टू डू. सो बिंज ईटिंग बेसिकली इट्स डिफाइंड एज ईटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एक साथ
like in a short period of time, and then you know there's a sense of you lose control, right? You're like, yeah, I've eaten so much, and then you sit, this is all of this is happening within seconds. You know, your mind is processing it like this, ki aapne khaya large amounts of food ikattha. You know what binge eating is, right? Hum har dafa har week hum binge watch kar rahe hote hain Netflix pe kuch na kuch. So just like that, you're consuming a lot of stuff, you're consuming a lot of food ek saath, and then what happens is ki then they sort of take it out through purging, again laxatives ki through karte hain, vomit ki through karte hain. Binge eating behavior jo hota hai usually bahut secretive hota hai, aur ye the feeling of it is associated with shame या embarrassment, and you know binges जो होते हैं वो large food में भी consume किए जाते हैं, and then you know people pull themselves to a point कि वो nauseatic होने लग जाते हैं और discomfort भी उनको होता है. So of course binges जो होते हैं वो weekly भी occur हो सकते हैं, every day भी occur हो सकते हैं, and they're also called compensatory behaviors, you know, to prevent weight gain. So if someone is gaining weight, this is how they also you know start managing themselves, their eating habits. So uske andar of course there's going to be fasting, vomiting hoga, laxative ka misuse hota hai, and compulsive exercise, right? So in anorexia however jo log hote hain anorexia nervosa, the persons with bulimia nervosa are excessively preoccupied with thoughts of food. So of course like I mentioned before also, food is the main thing that they keep on you know obsessing over. There's weight, and then their shape that these people cannot you know stop thinking about, and then all of this negatively affects their you know their self worth. So basically agar koi insaan apni self worth ko bahut low samajh raha hai, usko you know they're associating that with their weight, then that's when you know there is a connection of them going towards eating disorders and all. Theek hai? So individuals who have bulimia nervosa, they can be slightly underweight. Now that is the difference between the similarity between anorexia nervosa and bulimia nervosa, because that these people are usually underweight. They can also be normal weight however, or ye overweight bhi ho sakte hain, obese bhi hote hain. Binge eating ke andar ye ek difference aa jata hai. First similarity to yahi hoti hai ki these people could be underweight with anorexic people, jis anorexic normal bhi nazar aa rahe honge, but then wo apne aap ko itna starve kar lete hain that they start getting underweight, right? इसके अंदर हर तरीके के लोग होंगे, लेकिन वो अपने आप को हाउएवर लाइक देयर सो ऑब्सेस्ड विद लूजिंग सो मच वेट, एंड यू नो एक्सरसाइजेस तो आती ही नहीं है, काउंट में नहीं आती है, बिकॉज यू नो द वे यू आर बिहेविंग विद फूड. तो यहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, अंडरवेट भी, नॉर्मल वेट भी, ओवरवेट भी मिलेंगे, ओबीस लोग भी मिलेंगे, ठीक है? सो सिग्निफिकेंटली जो उनके अंडरवेट लोग होते Then they are considered to have anorexia nervosa, binge eating, right? This is the term that they're used, that is used. जैसे मैंने ऊपर बताया था कि two types होती हैं anorexia nervosa की, या तो ये अब ये दूसरी type मैं आपको इसमें explain कर रही हूँ, because bulimia से related है. So इसके अंदर ज़्यादातर जो help चाहिए होती है वो family members से चाहिए होती है, friends से चाहिए होती है, ताकि वो identify कर सके. because the person who is going through all this stuff cannot always you know identify what they're going through is right or wrong. So what happens is that sooner or later it's important for the family members to you know just take control, and not control in the sense कि वो उनको shame करने लग जाए, but उनके साथ हेल्प करने लगते हैं, उनके लेवल पर आके उनके तकलीफ को अंडरस्टैंड करें, यू नो, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गो थ्रू ऑल दिस स्टफ अलोन. सो एनीवे दीस पीपल दे अपीयर टू बी अंडरवेट एट टाइम्स, बिकॉज इनके जो बिहेवियर्स होते हैं दे मोस्टली हिडन एंड अननोटिस. सो अब आपको नहीं पता चलेगा कौन बंदा बैठ के बिंज ईटिंग कर रहा है, और वो यू नो दे थ्रोइंग अप आफ्टर दैट, बट एक एनोरेक्सिक पर्सन का समझ आ जाता है. जो पॉसिबल साइंस हो सकते हैं बुलिमिया नर्वोसा के पर्सन के लिए वो ये है दैट दे आर फ्रीक्वेंटली गोइंग टू द वॉशरूम राइट आफ्टर लार्ज मील्स. तो बड़े से बड़ा मील कोई खा ले, एंड देन दे आर रनिंग टुवर्ड्स द वॉशरूम. सो ऑफ कोर्स यू नो दे आर गोइंग टू यू नो पर्ज, दे आर गोइंग टू वॉमिट, और मे बी दे हैव हैड अ लैक्सेटिव, ताकि वो
चीज उनकी उनके वेट को ना गेन कर रहे हैं. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन इन मॉडल्स, यू नो दैट मॉडल्स एंड ऑल दीज पीपल इन द इंडस्ट्रीज जो ये एक्टिंग करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी कॉमन. एंड इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ था बैक इन द 90s. अब तो वो रिसर्च इतना हम उसके बेसिस पे नहीं जा सकते, हम उसके बेसिस पे कोई डायग्नोसिस नहीं कर सकते, लेकिन दिस वॉज समथिंग दैट वॉज यू नो पेड अटेंशन टू बैक इन द 90s अलॉट. 80s में भी हुआ था बट 90s का ज़्यादा कंसिडर किया जाता है. वाई? बिकॉज उस टाइम पे मॉडलिंग और एक्टिंग और ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही थी इन द ईस्टर्न वर्ल्ड एज वेल. अब अगर आप हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री को देख लें तो यहाँ तो वैसे ही यू नो देयर इज अ थिंग दैट वेयर पीपल डू नॉट लाइक टू यू नो शो देमसेल्व्स एंड दे डू नॉट लाइक टू दे लाइक टू प्रिटेंड यू नो एवरीथिंग इज फाइन. हम लोग मुंह पे सब सही अच्छा अच्छा बताते हैं बट देन वी डोंट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज इन द सोसाइटी. सो दिस इज समथिंग दैट वाज you know talked about very less in our society, but generally India ke andar, Indonesia ke andar, Philippines ke andar iske bare mein bahut zyada research hui thi ki models at the end of the day, because of course you know you're human, you have cravings, you want to eat stuff, and I feel like for a lot of people, and I feel like everyone agrees to it, ki food jo hota hai mostly logon ke liye na ek खुशी का बायस होता है, यू नो. सो इफ यू आर हैप्पी वी आर हैविंग फूड, वी आर सैड यू नो वी आर थिंकिंग अबाउट फूड. सो यू नो अ कल्चर, अ सोसाइटी और अ प्लेस जो इतना ज़्यादा फूड से रिलेटेड है या फूड के अराउंड घूमता है, उधर अगर ऐसे लोग नज़र आते हैं ना, सो वहाँ पर जाके रिसर्चेज और ये सब जाकर जो है ना लोगों को फिर नोटिस में लाते हैं कि सी इफ देर आर पीपल. Yeah, so you know there are people who are going through this and they're just around us as well. Anyway, iske aur symptoms jo hain wo isi tarah hota hai ki wo large amounts of foods khate hain and then they disappear. Of course the food is disappearing, there is no explanation ke empty wrappers kahan hain, food containers kahan hain, kahan khaye ja rahe hain. Of course chronic sore throat ho jata hai logon ko, salivary glands jo hote hain वो स्वेल होने लग जाते हैं, तो उनके चीक्स जो होते हैं, चीक्स और जो एयर का एरिया होता है बहुत मोटा हो जाता है. डेंटल डिके भी आने लग जाता है, इरोजन होता है टूथ का. ऑफ कोर्स यू नो लाइक आपके एसिड रिफ्लक्स की वजह से, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थ्रोइंग अप. और लैक्सेटिव अगर आप डाइट लेते हो या मिस यूज करते हो पिल को, तो आपको डायरिया रिकरेंट होने लग जाता है. वाटर पिल्स भी इसमें लेते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी आपका जो अंदर किडनी का एरिया होता है, लिवर होता है, वो भी ख़राब होने लग जाता है. बिकॉज सी दिस इज हमारी बॉडी एक तरीके से चल रही होती है. अगर आप उसके आगे पीछे करते रहोगे, उसके अंदर चीज़ें ऐड करते रहोगे, सब्सट्रैक्ट करते रहोगे विद फूड और लैक्सेटिव्स और यू नो मेडिसिन ऑफ दिस सॉर्ट, एनी सॉर्ट ऑफ पिल्स, तो ऑब्वियसली जो होता है ना बॉडी का एक निज़ाम होता है वो आगे पीछे हो जाता है. एंड ऑफकोर्स हम वो चीज़ हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता. So of course then again people start feeling dizzy or fainting wali situation hone lag jati hai, and ultimately ye log again these are you know put into the hospital, lekin ye bahut severe situations mein hota hai. Khair bulimia ke andar rare hai ye cheez, lekin esophageal tears bhi hone lag jate hain, jaisa you know maine previously bhi mention kiya hua tha. And you know dangerous cardiac attacks bhi hote hain, gastric rupture hone lag jata hai, because aapka body jo hai is not taking things like you know they were like it was supposed to. So of course isme medical monitoring bahut zyada zaruri hoti hai, aur identify karna zaruri hota hai ki possible complications kya hain iski. Agar hum therapy ki baat kare, treatment ki baat kare, to behavioral therapy for bulimia nervosa ke andar outpatient cognitive बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं फ़ायदेमंद होती है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स पेशेंट्स टू नॉर्मलाइज द ईटिंग बिहेवियर. सो एंड यू नो देन दे कैन मैनेज देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स एज वेल. सो ऑफकोर्स यहाँ पे लोग जो होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेने लग जाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड देन यू नो उसके साथ एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं. सो लाइक आई सेड कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट्स अबाउट दीज थिंग्स एज वेल. एंड अगैन ईटिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो दूसरे अगर चीज़ों के साथ अकर हो रहे हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, OCDs होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज होता है, तो ये उसको भी यू नो कंज्यूम कर लेंगे एक साथ, एंड देन दे गोइंग टू थ्रो इट ऑल आउट. ठीक है. सो ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है
इन जनरल कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर जो होगा उसको हम फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट कहते हैं. सो एक बंदा अकेला जो है इसको डील नहीं कर सकता है. यू नीड अ ट्रस्टेड फ्रेंड, अ पार्टनर, अ पेरेंट, अ सिबलिंग हु कैन सपोर्ट यू थ्रू ऑल दिस. देन वी हैव बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. तो बुलिमिया नर्वोसा के अंदर people usually binge eat and they have episodes of binge eating in which they consume large quantities of food in a very small period though. Lekin you know when it comes to binge eating per se, so there's an experience of loss of control and then there's distress over the binge behavior as well. Yahan pe pehle distress nahi aata tha binge behavior pe, iske andar hum distress lete hain, hum stressful situation ke go through hote hain jab हम बिंज बिहेवियर कर रहे होते हैं. सो व्हेन वी ईटिंग, व्हेन वी बिंज ईटिंग, दैट इज आल्सो नॉट यू नो गिविंग अस एनी प्लेजर. सो अनलाइक पीपल विद बुलिमिया नर्वोसा, दीज पीपल डू नॉट हैव अ रेगुलर कॉम्पनसेटरी बिहेवियर. यू नो तो इनके पास जिस तरह बुलिमिया के अंदर जो होता है, लोगों के पास एक प्रॉपर तरीका होता है कि अच्छा अभी हम पर्ज करके वॉमिट करेंगे या हम लैक्सेटिव यूज करेंगे, हम फास्ट करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे. इसके अंदर यू नो देर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कैन लीड टू सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने लग जाता है लोगों को, दे हैव कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एंड बुलिमिया नर्वोसा. क्योंकि उसके अंदर तो आप बुलिमिया के अंदर तो यू जस्ट लाइक यूर ईटिंग आप पर्च करो, इसके अंदर ऐसा नहीं है. यू कीप ऑन ईटिंग, इट्स लाइक यू नो यू कीप ईटिंग 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 एंड देन यू नो यू फील गिल्टी. वो गिल्ट भी आ जाता है वहाँ पे और साथ में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होने लग जाती हैं और वेट गेन वगैरह भी होता है. इसका जो डायग्नोसिस है बिंज ईटिंग का, वो एटलीस्ट ऐसा होता है कि यू नो यू नीड टू लाइक द पर्सन फॉर एग्जाम्पल दे नीड टू हैव लाइक फ्रीक्वेंट बिंजेस एंड एटलीस्ट वंस अ वीक फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स. अगर किसी कोई इस तरह की चीज़ कर रहा है तो उसमें हम उसे एसोसिएट करेंगे कि दे हैव अ लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस एंड दिस हैज़ अकर्ड मोर देन वंस इन अ मंथ. तो अगर एक दफ़ा एक पूरे मंथ में किसी की बिंज ईटिंग का बिहेवियर हुआ है या ट्वाइस हुआ है तो हम उसको उसमें कैटेगराइज करने लग जाएंगे. तो इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो बिहेवियर्स होंगे जब नॉर्मेलिटी में काउंट होंगे वो ये होता है कि यू स्टार्ट ईटिंग मोर रैपिडली देन नॉर्मल. अब हम देखिए इसको हम कंफ्यूज भी नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि दूसरे जो डिसऑर्डर्स होते हैं सच एज डिप्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, उसके अंदर भी एपेटाइट आगे पीछे हो जाती है. सम पीपल स्टार्ट ईटिंग अ लॉट, सम पीपल यू नो जस्ट स्टॉप, सम पीपल एट नॉट ओनली विद डिप्रेशन बट समटाइम्स यू नो हम अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम अपने फूड में ध्यान लगा देते हैं. द रीजन हम यू नो पुटिंग फूड अंडर द लाइट इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमारे अगर हम स्पेसिफिक कल्चर की बात करते हैं तो फूड इज़ देयर, बट बाहर की कंट्रीज के अंदर फूड इज ऑल्सो रेडिली अवेलेबल. यहाँ पे भी आपको फूड जो होता है दैट इज रेडिली अवेलेबल, बट देयर इज यू नो एन इकोनॉमिक क्रंच दैट लॉट ऑफ पीपल डू नॉट यू नो अंडरस्टैंड. लेकिन बाहर की दुनिया में जहाँ ईटिंग डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा कॉमन है, वहाँ फूड और उसका इनटेक और उसकी जो हेल्थ लेवल है वो भी उतना ही कॉमन होता है, ईजिली अवेलेबल दैट इज. एंड देन उसके अलावा यू नो दीज पीपल आर अनकम्फर्टेबली फुल, वो इतने ज़्यादा खा लेते, इतने ज़्यादा खा लेते, वो कहते नहीं नाक तक हमने खा लिया है. ये लोग का रेगुलर बेसिस पे ऐसा होने लग जाता है. सो वैन यू ईट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड एंड यू नो इवन वैन यू नॉट हंग्री यू नो वो तो आई मीन आई डोंट नो इफ यू सीन दोज वीडियोज वेयर दीज पीपल ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फूड. सो यू नो देयर आर दीज टिकटॉक पीपल और उधर भी यू नो अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि एक टिकटॉकर है, शी वॉज ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड which was so unnecessary and it was kind of you know bothering me ki how can someone eat like someone who's that thin can eat like 6-7 burgers and not just that but you know mashed potatoes and I don't know fries and what not and you know us pe kafi baat chali ki ye kyun kar rahi hai ladki. So of course views ke alawa bhi, but was she purging, did she have some sort of eating disorder, and of course ab us pe baatein to chal rahi hain, but when you see this when you're in a psychological setting padha hua hota hai ya aap us चीज़ के गो थ्रू आप कर रहे होते हो, नॉट एज अ विक्टिम बट एज समवन हु वाज
इन द ट्रीटमेंट जोन, तो आपको नजर आने लग जाते हैं कि बिहेवियर्स ऑब्वियसली काफी अनहेल्दी होते हैं. मग बैंग वीडियोज जो होती हैं, वी डोंट नो व्हाट दीस पीपल आर डूइंग बिहाइंड बिहाइंड द लेंस, राइट? अनकंफर्टेबली अपने आप को भरवा लेना, पेट इतना ज्यादा कस लेना बिकॉज ऑफ फूड एंड ऑल, इट्स टू मच, राइट? सो ये थोड़े बहुत हमारे पास डायग्नोसिस के वेज होते हैं. एंड स्पेशली व्हेन दीस पीपल आर ईटिंग अलोन, दे हैव अ फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट एंड दे आर फीलिंग डिस्गस्टेड विद देमसेल्व्स एंड दे आर डिप्रेस्ड कि क्यों खा रहे हैं. एंड दे कैन नॉट कंट्रोल द क्या कहते हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स व्हेन दे आर ईटिंग, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू दैट्स व्हाट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज. ये थ्री मेजर हैं. वी कैन टॉक अबाउट द अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर एज वेल. लो एपेटाइट होती है इसमें, लैक ऑफ इंटरेस्ट होने लग जाता है इन फूड. तो यहाँ पे एक यू नो सॉर्ट ऑफ यू इट्स एन ईटिंग डिसऑर्डर जिसके अंदर आप डिस्टर्बेंस आने लग जाता है इन ईटिंग एंड योर ईटिंग पैटर्न. और डिस्टर्बेंस क्या होता है कि आप अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को मीट नहीं कर पा रहे होते हैं. यू सॉर्ट ऑफ बिकम एन एक्सट्रीम पिकी ईटर. तो यू अवॉइड फूड टू अ लेवल कि वो आपकी एपेटाइट को इतना ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाता है कि योर इंटरेस्ट इन फूड एंड ईटिंग इज यू नो लॉस्ट. इसके अंदर जो है एक्सट्रीम फूड अवॉइडेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप फूड को जो है वो कैरेक्टराइज करने लग जाते हो थ्रू टेक्सचर एंड अपीयरेंस, स्मेल के थ्रू एंड कलर एज वेल. तो इसमें जो एंग्जाइटी पर से आती है या कंसर्न आता है, इट्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईटिंग. सच एज यू नो पीपल आर लाइक ओ आई माइट चोक, मैं खाऊंगी ज़्यादा तो मैं चोक कर जाऊंगी, नॉजिया होने लग जाएगा. अभी ये हो नहीं रहा है बट ये उनको फियर है दैट दे माइट यू नो स्टार्ट वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी. Yeah, you know, they're eating certain thing and then, you know, they might have an allergic reaction. So there's this might ki possibility there. There's this thing that, you know, they feel like, oh, what if I eat this and that happens? So is wajah se wo for no reason they start to avoid. It's not like no reason. It is a reason. They feel like ye, and it is very huge for them. Ke, you know, if they stop, if they start eating, to what if, you know, they some of this stuff occurs or phir wo aage se kya karenge, you know, they would have to go to the hospital or they will get sick. To is wajah se jo hai log avoid karne lag jate hain food ko in general. Aur zaruri nahi hai ki ye wala jo disorder hai ye, it's first of all it's not that common, but it's also not something jisko hum hamesha bole ki nahi bhai ye disorder hi hai. Because what happens is ki iske behaviors hote hain jo hame nazar aane lag jate hain. What people do is they start to avoid certain foods. वो certain foods भी जो हैं वो इसमें count होने लग जाते हैं कि वो उनका avoidant food intake है, ठीक है? Then this disorder, it also develops in response to a significant negative event, you know, like as a kid maybe someone choked on chocolate ice cream and then they're like, oh, you know, I won't be able to have chocolate ice cream ever. So you know, आप अपनी टोक लगा लेते हो अपने जहन में. Or you had food poisoning over certain foods. Like I know a person, recently I got to know about it. I mean, in a friend circle only, we were all sitting. And this person in general does not eat vegetables. We went to a burger place, a burger joint. And this, the burger joint, unhone us bande ko, mere friend ko, wo laake de diya. Vegetables laake de diya, jabki he does not eat vegetables. I mean, it's been a while that the guy cannot get over the fact ki usne mujhe jo hai vegetables laake de di thi us khane ke andar, and then of course he threw up because he saw the vegetables around. To wo usne apne zehen mein ek tok lagayi hui ki because main vegetables nahi khata aur in bandon ne mujhe yahan se vegetables mere burger mein dal ke de diye hain, to ab main yahan ka khana bhi nahi khaunga aur ab main specifically burger bhi nahi khaunga. See, so now that is some sort of an avoidant behavior that my friend has towards burgers, because ek thoda sa unke liye na ek negative experience, ek negative event नज़र उनके लाइफ में हुआ उनके साथ. जो डायग्नोसिस होता है इसका वो यही है कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा होता है एंड यू नो देयर इज ऑफ कोर्स देयर इज अ फेलियर टू अचीव द एक्सपेक्टेड वेट दैट अ पर्सन मस्ट हैव इन अ सर्टेन एज. देन देयर इज अ नीड टू रिलाई ऑन अ फीडिंग ट्यूब, मतलब सॉरी एक सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है. तो अगर सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, सो व्हाट हैपेंस लेटर, देयर इज अ नीड टू रिलाई ऑन अ फीडिंग ट्यूब. तो आप ओरल तो खाना आप ले नहीं पाते, तो आपको फीडिंग ट्यूब से खाना देना पड़ रहा था, क्योंकि न्यूट्रिशन इनटेक तो ज़्यादा है ना एक इंसान की. अगर आप उसको अवॉइड कर दोगे तो फिर आपको दूसरे वे से आपको वो देना पड़ेगा. ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट फिजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, एंड
there is a degree of malnutrition to it as well. The last eating disorder that I would like to talk about is pica. ठीक है, पीका जो होता है ये mostly बहुत ज़्यादा common होता है pregnant women में. प्रेगनेंट वुमेन में इसलिए ज़्यादा कॉमन होता है बिकॉज जब प्रेगनेंसी होती है आपकी बॉडी में से बहुत सारी चीज़ें जो हैं न्यूट्रिएंट्स कह लो दे आर टेकन बाय द बेबी. ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड फॉर द बेबी एंड इफ़ यू डू नॉट फीड योर सेल्फ प्रॉपरली, इफ़ यू डू नॉट ईट प्रॉपर थिंग्स, अपने आप को न्यूट्रिशनल फूड नहीं दे रहे हो विच इज़ यू नो अ रिक्वायरमेंट ऑफ यू एंड द बेबी, यू स्टार्ट लाइकिंग थिंग्स, स्टार्ट वॉन्टिंग टू ईट थिंग्स, आपकी डेफिशिएंसी आने लग जाती है बॉडी के अंदर. तो जो डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है ना आप उसके हिसाब से कोई रबिश चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं. जैसे आयरन डेफिशिएंसी होती है तो पीपल वांट टू ईट सीमेंट और दे लाइक टू ईट चॉक, यू नो ये दिस इज़ अ थिंग. अगर डेफिशिएंसीज होने लग जाती हैं वो वुमेन प्रेगनेंट वुमेन में ज़्यादा कॉमन है. लेकिन इन जनरल अगर हम इसको देखें कि ईटिंग डिसऑर्डर पीका एज एन ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती खाने की. ठीक है, इसके अंदर जो लोग होते हैं उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं ऑफकोर्स ओवर एटलीस्ट वन मंथ. जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं इसको हमने एटलीस्ट वन मंथ तक उनके बिहेवियर की परसिस्टेंस और सिवियरिटी को मॉनिटर करना होता है. इसमें क्या होता है, टिपिकल जो सब्सटेंसेस पीपल वुड लाइक टू इंजेस्ट, ऑफकोर्स वो एज में भी लोग वैरी करते हैं, अवेलेबिलिटी में भी वैरी हो रही होती है ये मटेरियल, बट दे लाइक टू कंज्यूम पेपर, पेंट, सोप, क्लॉथ, एनी हेयर, चौक खाने लग जाते हैं, मेटल पेबल्स होते हैं लाइक सेट सीमेंट होता है या दीवार के ऊपर से चूना निकल रहा होता है, दे लाइक टू ईट दैट. तो ये सब चीज़ें जो होती है ना इंडिविजुअल्स हु एक्चुअली हैव पीका दे डू नॉट टिपिकली हैव अवर्जन टू फूड इन जनरल. So you cannot sit with them and feel like, oh, they don't like food, or, you know, you cannot give a diagnosis over them, okay, what sort of a food behavior these people may have, right? However, inke jo ye wale behaviors hote hain, ye, no, nobody is going to do that in front of everyone. If someone wants to eat chalk, they're going to eat it when no one is looking, right? So, pika ka diagnosis dusre log nahi kar sakte, to bande ko khud hi identify karna padta hai, aur ye identify tab hota hai jab aapke paas awareness hoti hai of what these things are. Most of the people, they just don't know how they're behaving is common or uncommon, right? Behavior jo hota hai isme is inappropriate of course to a developmental level because individuals jo hote hain wo culturally unsupported practice kar rahe hain. Koi bhi aapke samne jo hai, and this is a very weird thing, but some of these people also have an urge to eat poop, which is a very society level ke upar, ya even as a human level you cannot isko bardasht nahi kar pate ki how can someone would want to eat that, like it's gross and this and that. Hum bahut judgments bana ke bhej dete hain, lekin hame ye samajhna hota hai ki this person is not doing this on their own, you know, there is a consistent need for something that needs to be diagnosed. Phir pika jo hota hai it occurs in childhood, ठीक है, इसकी adolescence में या adulthood में नहीं मिलता, सबसे पहले ही childhood में होता है. So I remember as a kid I would see a lot of my friends around, वो जो वो थोड़ा सा wall के ऊपर से paint नहीं हट जाता, अंदर का cement चूना, whatever that is, they would be licking that. That is the age, and that's 5-6 years of age होती है जहाँ पे लोग जो बच्चे जो होते हैं वो ये सब चीज़ें develop करने लग जाते हैं. Anyway, तो ये बड़े होकर तो ये consistent हो जाता है, but ये occurrence इसकी childhood में आती है, onset childhood में होता है. So it is not diagnosed in children under the age of 2 though, ये उसके बाद ही होता है, because you know, उससे पहले तो the kids are putting everything in their mouth, so you cannot see कि उनका behavior क्या है. So pica often occurs along with autism as well. Like I said, high eating disorder जो होता है किसी ना किसी उसके साथ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के साथ आ रहा होता है. हाउएवर जो पीका है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ आता है विच इज़ अ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ठीक है, तो इन डेवलपिंग चिल्ड्रन स्पेसिफिकली टिपिकली, सो वी कैन नॉट से कि ऑटिस्टिक लोग साइकियाट्रिक होते हैं, लेट्स जस्ट नॉट एवर से दैट. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में
काउंट हो सकता है, राइट? लेट्स जस्ट, बिकॉज हम जो वर्ड यूज करते हैं सबके लिए बहुत मैटर करता है. सो अ पर्सन हु वाज डायग्नोज विद पीका, मोस्टली उनका जो यू नो दे आर एट हायर रिस्क ऑफ पोटेंशियल इंटेस्टिनल ब्लॉकेजेस. तो ऑब्वियसली यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर थिंग्स, यू आर ईटिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यू आर कंज्यूमिंग थिंग्स लाइक लेड, कंज्यूमिंग थिंग्स लाइक चॉक एंड यू नो स्टफ लाइक दैट. सो वो आपकी इंटेस्टिनल ब्लॉकेज भी करता है, इंटेस्टिन को भी खराब कर देता है. And the treatment for PICA is usually, you know, testing for nutritional deficiencies. Deficiency, once that is, you know, discovered, once that is addressed, you know, we know what this person needs, how they're going to, you know, behave once we have given them the treatment. So, aage se na ek treatment plan banane ki ho jata hai. एंड ऑफकोर्स मैंने यू नो मैंशन के बहुत सारे जो उसमें चीज़ें होती हैं, यू नो मेंटल हेल्थ की सिचुएशंस जो होती हैं, डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वेदर न्यूरोटिक और साइकोटिक, ये कम्प्लीटली अलोन नहीं एडमिनिस्टर किए जाते, असेस नहीं किए जाते. समटाइम्स यू डोंट नीड मेडिकल इंटरवेंशन, बट मेडिकल इंटरवेंशन जो होती है वो ये नहीं होती कि आपको हमेशा टैबलेट्स या आपको हमेशा कोई पिल्स दिए जाएँ, ठीक है? बट ये दोनों का एक ट्रीटमेंट प्लान बनना नेसेसरी होता है, जिसमें साइकोलॉजी एंड यू नो मेडिकल स्टाफ इज इक्वली इन्वॉल्व. लाइक वी कैन नॉट, जैसे मैं एक एज ए साइकोलॉजिस्ट, आई कैन नॉट जस्ट सिट एंड यू नो स्टार्ट टेलिंग पीपल कि नहीं आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है या क्या कम है आपके उसके अंदर. वो उसके लिए ऑब्वियसली यू नो आई वुड हैव टू टॉक टू अ डॉक्टर, आई वुड ऑब्वियसली हैव टू आस्क देम टू टेक अ फ्यू टेस्ट, जिसके बेसिस के ऊपर हम उनका देख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके अंदर किस चीज़ की यू नो न्यूट्रिशनल वैल्यू किस चीज़ की कम है. एंड देन बिहेवियरल इंटरवेंशन हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट द पर्सन. तो इन दिस पर्टिकुलर केस देन यू नो वी विल बी ट्रीटिंग पीका. और इसमें यू नो इट इंक्लूड्स रीडायरेक्टिंग द इंडिविजुअल, because it's a very common thing, right? Matlab, that's what you're supposed to do. You redirect the person, whichever eating disorder that they have, you redirect them to a healthier you know eating pattern. Ek proper food item ki taraf aap unko leke chal rahe hote ho, non food items se aap unko you know you're trying to tell them ke you know they're supposed to set that aside. Aur isme sometimes it's necessary for your therapist or anyone that you're going to, कि वो आगे से जो है ना आपका जो ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं उसके साथ एक रिवॉर्डिंग सिस्टम भी रखें. रिवॉर्डिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि इफ यू ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ थिंग कि बड़े भी इवन लोग होते हैं, सिर्फ नेसेसरीली छोटे बच्चे नहीं बट बड़े लोगों के लिए भी रिवॉर्ड मेथड जो होता है बहुत काउंट कर रहा होता है. तो अगर इफ यू नो देर अवॉइडिंग थिंग्स दैट देवर प्रीवियसली हैविंग एंड विच वर नॉन फूड, यू नो देवर हैविंग चॉक एंड लेड एंड पेंट एंड ऑल दैट स्टफ, और ये फूड नहीं था, तो नाउ व्हेन देर अवॉइडिंग इट एंड गोइंग फॉर समथिंग more healthier, you need to reward that behavior. And you as a therapist, you as a psychologist, you as a counselor, you have the power to do this, right? I am done with my presentation or my talk with about eating disorders. I hope it helped you guys. And I think Isha, would you like to take over? If there are any questions, I'll be happy to help. I'll be happy to answer. Kindly उनको answer कर देंगे. By the way, I have a question as well. So I have a question that can people with eating disorders recover? हाँ, of course they can. एक treatment plan उनका बनाया जाता है properly. सबसे पहले acceptance चाहिए होती है उस person को, in the sense that they need to know that you know this is something that is happening with them. हम denial phase में जब तक रहेंगे तो person ही अपने आप को treatment की तरफ नहीं लेके जाता. So of course ये चीज़ हमें जहन में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जब तक द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम इटसेल्फ, वो जब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते. सो एज अ फ्रेंड, इफ आई सी वन ऑफ माय फ्रेंड्स गोइंग थ्रू दिस स्टफ, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक देम रियलाइज कि यू नो योर ईटिंग पैटर्न्स आर मे बी अनहेल्दी. जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरी फ्रेंड, हम उसकी ट्रीटमेंट तक नहीं जा सकते. बट ऑफकोर्स इसकी ट्रीटमेंट होती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स कैन पीपल डू गेट बेटर.
थैंक यू सो मच मैम. और अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकता है, अपना माइक भी ऑन कर सकता है और चैट बॉक्स में पूछ सकता है. मैम, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माय क्वेश्चन इज दैट, बिनेश नमान ने पूछा है कि माय क्वेश्चन इज दैट आई नो अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट बट ओनली एट नाइट टाइम एंड ही डिड नॉट ईट्स होल डे, ही ओनली टेक्स टी. All right. What do you think this person has? मैम, आई गेस वो पूछना चाह रही है कि जैसे वो पूरा कि दिन उनको सिर्फ ईटिंग डिसऑर्डर चाय है. का इंटेक करता है या यस. नहीं देखो, I'm just asking because you know I just gave like you know we discussed it. So now does this person think कि उनके फ्रेंड को कोई ईटिंग डिसऑर्डर है या ऐसे भी एक you know sort of एक वे है way of you know how he deals with his food behavior. Maybe the person is doing intermittent fasting. Maybe the person is you know see hum sirf food ka time nahi note karte hai ki wo kitna kha rahe hote hain, hum uske sath dusre behaviors bhi note kar rahe hote hain. To previously jaisa maine mention kiya tha ki unka behavior kis tarah ka towards food, how do they feel when the food is around, how do they feel you know when they're eating food or you know when they're not eating food, what is their general opinion when it comes to food, what kind of food they're trying to take and what is their behavior after the you know the food that they have consumed. So all that stuff you know is taken under consideration jab hum ek you know kisi bhi individual ke bare mein baat kar rahe hote hain. Okay ma'am, thank you so much ma'am. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास. सिद्रा ड्रीन ने क्वेश्चन किया है कि मैम, दोस पीपल हु हैव पेरेंट्स और सिबलिंग्स हु हैड एन ईटिंग डिसऑर्डर, इट कैन आल्सो हैपन टू देम, लाइक अगर उनके पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को ईटिंग डिसऑर्डर रहा है तो क्या वो उनको भी हो सकता है? देखो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक जेनेटिक्स आ जाते हैं कि पेरेंट्स को ईटिंग डिसऑर्डर था तो बच्चे में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी होती है लेकिन नेसेसिटी नहीं होती है. आई एक्चुअली डू नो समवन जिसके मदर को स्किज़ोफ्रेनिया है. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग देन ईटिंग डिसऑर्डर दो, बट उनको स्किज़ोफ्रेनिया है. बट द गर्ल माई फ्रेंड शी डज नॉट हैव स्किज़ोफ्रेनिया, हाउएवर शी डज हैव अ फ्यू थिंग्स इन द सेंस कि उसकी जो एंगजाइटी है या द परेशानी दैट शी हैज़ यू नो अराउंड पीपल, दैट इज़ समथिंग जो उसको उसको फील होता है जो उसकी मदर की तरफ से आया है. एंड शी इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इन ऑल दैट स्टफ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज़ कि अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर स्पेसिफिकली उसकी बात करते हैं तो ये ऑफकोर्स इट इज़ जेनेटिक, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी के पेरेंट्स को है तो उनमें आए. हाँ, लेकिन उनके अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न ज़रूर आ सकते हैं. अगर किसी सिबलिंग को ईटिंग डिसऑर्डर है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके अंदर भी ईटिंग डिसऑर्डर आएगा. हाँ, आप उनके बिहेवियर से सॉर्ट ऑफ जो है ना पिक कर सकते हो कि अच्छा ये लोग ये इस तरह करते हैं, और ये बहुत छोटे में होता है, बड़े में यू नो व्हेन यू हैव ग्रोन अप दिस डजंट हैपन दैट ऑफन बिकॉज आपको खुद भी खाने का पता चल रहा होता है. एंड यू नो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू ऑल्सो सी दैट दीज बिहेवियर्स इन योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स आर अनहेल्दी, राइट, अनलेस इट इज़ अ लाइक यू नो एक पूरी फैमिली के अंदर हर एक को ईटिंग डिसऑर्डर है, फिर ये चीज़ आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस स्पेसिफिक पर्सन को कि होगा या नहीं होगा. हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम इस तरह नहीं यू नो आइडेंटिफाई कह लो, या हम इस तरह उसको जो है ना कैटेगराइज नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज फैमिली में है तो उसको भी होगा. इट्स नॉट लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन, यू नो. यस मैम, थैंक यू सो मच. एनीवन जिसका कोई क्वेश्चन हो वो माइक ऑन करना चाहता है या फिर चैट बॉक्स में. अस्सलाम वालेकुम मैम. यस अस्सलाम वालेकुम मैम, दिस इज माय वॉइस क्लियर? ओके अरीबा यू गो. ओके थैंक यू जुवेरिया. अरीबा आप अपना क्वेश्चन करो प्लीज, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप करो. ओके मैम, आई रेड समवेयर दैट इन मेंटल हेल्थ कंडीशंस ईटिंग डिसऑर्डर्स हैव द हाईएस्ट रिस्क फॉर ऑफ डेथ. तो इट्स अ कल्चर स्पेसिफिक थिंग, लाइक हमारे कल्चर में तो इनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या इतना सीरियस नहीं लिया जाता, लाइक इट्स अ फैक्ट के हाँ ये सच में इतने ज़्यादा सीरियस हैं. तो हर मेंटल डिसऑर्डर जो होता है ना, इन माय ओपिनियन सीरियस होता है, हमें उसको उसकी सिवेरिटी के साथ ही उसको लेके चलना चाहिए, ठीक है. आप ईटिंग डिसऑर्डर की जहाँ तक अब हम बात करते हैं कि वो उसमें डेथ हो जाती है, देखो डेथ तो इट इज़
why it is you know something that is common is because you're not giving your body the nutrition it needs. So yahan pe it's more you know medical than mental, in the sense ki jo death wala jo factor aa jata hai wo medical zyada hota hai kyunki aap apni body ko nutrition nahi de rahe hote us tarike se. Aur agar kisi ka eating disorder jo hota hai wo associated hota hai with some other you know mental health issues such as depression or anxiety, to phir uske andar you know like we all know depression ke andar suicidal ideation bhi hoti hai. So there is a possibility ki jo death hai wo kis tarah kar rahi hai, is it something done by the person or is it something jo you know it's happening as a, as an effect of you know how they are living their lives. Okay, thank you so much ma'am. Javeria, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं. ओके, थैंक यू सो मच मैम. अस्सलाम वालेकुम मैम, दिस इज मी जवेरिया. सो मेरा क्वेश्चन है कि जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको मतलब कर सकते हैं ना, लाइक जैसे कि एक फैमिली में कोई बंदा रह रहा हो और वहाँ पे उनको मुसलसल लगा हो कि मतलब यार तुम बहुत मोटी हो, यू शुड यू नो लुक लाइक दिस, आपको थोड़ा पतली हो, कितनी मोटी कितना खाती हो तुम, एंड देन दैट पर्सन डिवेलप इनटू दैट स्पेसिफिक ईटिंग डिसऑर्डर्स. That is, you know, like I said, societal level के ऊपर भी हम women पे ये ज़्यादा होता है, men पे भी होता है, but women go through it a lot more. ठीक है, eating disorders जो होते हैं वो women में बहुत common होते हैं, और सबसे बड़ी जो उसमें चीज़ आती है वो यही आती है कि you know they're told that they're not good enough all their lives, या you know growing up उनके या weight के ऊपर बात की जा रही होती है, and it's not necessary कि ये या इट्स नॉट समथिंग जो बिल्कुल ये जो है ना कोई सिर्फ सोसाइटी के ऊपर आता है. ऑफ कोर्स हम डेवलप करने लग जाते हैं इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को, इसी मतलब जो दूसरे का टॉक्सिक बिहेवियर होता है हम उसको अपने ऊपर डालने लग जाते हैं विदाउट यू नो अंडरस्टैंडिंग और कंसिडरिंग कि यू नो हम खुद काफ़ी परफेक्ट है, यू नो द वे वी आर मेड दैट वे. हाँ, थोड़े बहुत अपने आप में चेंजेस करना, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, यू नो मे बी गोइंग फॉर अ बेटर हेल्थियर लाइफ स्टाइल, दैट्स फाइन. लेकिन सोसाइटी जो होती है ना वो हमें इतना ज़्यादा तंग करने लग जाती है कि यस देर इज़ 100% पॉसिबिलिटी के लोग जो हैं वो लोगों की बातों की वजह से भी ईटिंग डिसऑर्डर्स को डेवलप कर लेते हैं, बट देन सी व्हाट हैपेंस, दीस पीपल दे जस्ट गो अवे, यू नो इट्स द पर्सन, इट्स द फैमिली दैट गोज थ्रू दिस एंटायर सिचुएशन, एंड इट्स नॉट समथिंग मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रही. ऑफकोर्स एज अ मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर मैं कभी भी जो है ना किसी साइकोलॉजिकल इशू के लिए उस बंदे को नहीं ब्लेम करूँगी, बट हाँ हमें कहीं ना कहीं जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, कि हम किसी को इतना ना तंग करें कि वो बेचारा जो है ना इस हालत में पहुँच जाए. यस मैम, थैंक यू सो मच. एंड मैम आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ दैट कॉज ऑल्सो कि जो इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा भी दे रही है, लाइक इस तरह की लुक्स होनी चाहिए या इस तरह का एक फिगर होना चाहिए. सो या डेफिनेटली सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा जो है वो देखो सोशल मीडिया भी तो हमारे लोगों से बना हुआ है ना, उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं जो हम सोच रहे होते हैं, मॉडल्स शुड लुक लाइक दिस, नॉन मॉडल्स भी उसी तरह आने लग जाती हैं. तो एक यू नो ये सेंचुरी से आ रहा है, सेंचुरी से वेमेन, सेंचुरी से यू नो मैन हैव बिन और द सोसाइटी हैज़ बिन टेलिंग वेमेन टू लुक अ सर्टन वे. तो वो लुक अ सर्टन वे के चक्कर में तो यू नो पीपल दे जस्ट गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, यू नो. तो उसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स इट्स अ रिलेटिवली न्यू डिसऑर्डर इन द DSM, लेकिन इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ गेटिंग मोर कॉमन बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस इन द सोसाइटी लेवल, यू नो कि हाउ वेमेन आर सपोज टू बी सीन. सो जो मैंने आपको जैसे देखो एज भी जो बताई थी 12 से लेके 35 ईयर्स की जो एज होती है इसके अंदर वेमेन ज़्यादा डिवेलप करते हैं. क्यों डिवेलप करते हैं? बिकॉज ये वो एज होती है जहाँ पर आपको अपने आप को दिखाना होता है कि नहीं, यू नो मैं सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी हूँ, आई एम गुड लुकिंग. 12 ईयर्स में यू आर ग्रोइंग अप, यू नो योर बॉडी इज़ डिवेलपिंग, योर माइंड इज़ डिवेलपिंग, और आप उसके बाद जो है किसी के अंदर इतना ज़्यादा यू नो ये इन्फोर्स कर देते हो, ये आप आइडिया को इतना ट्रस्ट कर देते हो किसी के माइंड के अंदर कि यू नो दे डिवेलप दीज थिंग्स. सो येस इट इज़ वेरी कॉमन इन वेमेन, वेरी, एंड वेमेन गो थ्रू इट अलॉट देन मैन. ऐसा नहीं कि मैन की एक्सपीरियंस को हम इनवैलिडेट करें, लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ सोसाइटी, सो सोशल मीडिया, सोसाइटी, एवरीथिंग. मैम थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. मैम एक्चुअली
ओके मलाइका आप बोलो प्लीज. मेरा क्वेश्चन, मैं अपने सर्कल में एक लड़की को जानती थी, उसी को उसको इसी तरह ईटिंग डिसऑर्डर था. बट समटाइम आई मुझे वंडर कि आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, आई एम सो सॉरी. मलाइका आपकी अस्सलाम वालेकुम आवाज मैम. क्लियर नहीं है. हेलो. हाँ मलाइका अब आप बोलो, आपकी आवाज क्लियर है. आई थिंक मलाइका का कोई इंटरनेट इश्यू है, इससे हमें उसकी आवाज़ नहीं आ पा रही है. नहीं, आई आई हेयर यू श्योर मैम. आई हैव अ क्वेश्चन कि मैं अपने एक ओके सर्कल ओके में मलाइका कंटिन्यू. मैं अपने सर्कल में एक लड़की को जानती थी, वो इसी तरह ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी. बट समटाइम आई वंडर कि उसने ऑलमोस्ट वो 1 ईयर से इस चीज़ से सफ़र कर रही थी. लेकिन मैं इस चीज़ पे कभी कभी सोचती हूँ कि हमें जहाँ तक पता है कि ईटिंग डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सिर्फ मैनेजेबल है, ट्रीटेबल नहीं है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो फुली कोप कर जाए किसी ईटिंग डिसऑर्डर से? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप जिनकी बात कर रही हैं उनका डायग्नोस था कि उनको ईटिंग डिसऑर्डर है, यस मैम, बिकॉज़ डायग्नोसिस था और उसका ठीक बीएमआई है रेंज भी कम हो गई थी और शी इज लाइक बिल्कुल अंडर एज हो गई, अंडर वेट हो गई थी. ठीक है ठीक है. देखो, लाइक आई सेड, इनके जो ट्रीटमेंट होती है ना, ऑब्वियसली हर ट्रीटमेंट वैरी करती है, बट मेन एसेंस वही रहता है. वो तो जो आपका थेरेपिस्ट जो होता है, वो आपको जिस तरीके से आपकी थेरेपी स्टार्ट करता है वो उस पर डिपेंड करता है पहली चीज़. लेकिन जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ये 100% क्योरेबल होते हैं, ट्रीटेबल होते हैं, और उसके बाद 100% चांसेस होते हैं लोगों के फिर नॉट गोइंग बैक टू द वे दैट दे यूज टू बी. तो जो आप बात कर रहे थे, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो कोप कैसे करते हैं, सी जब हम थेरेपी कर रहे होते हैं, ए टू जी थेरेपी हो रही होती है, इनसाइड आउट थेरेपी हो रही होती है ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, ताकि उनको जो है वो जो उनका थॉट है, वो जो उनका कॉग्निटिव पैटर्न है व्हेन इट कम्स टू ईटिंग और फूड, उसको हम ना मतलब क्या कहते हैं, जड़ से निकाल के नहीं फेंकना होता, वैसे करते हैं. इतनी ज़्यादा और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल की फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट है, द ट्रीटमेंट गोज ऑन फॉर लाइक ईयर्स, मंथ्स, फॉर वीक्स. लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो थेरेपी होती है फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स, जैसे मेडिकल इंटरवेंशन भी एट टाइम्स आने लग जाती है. लेकिन इट इज़ 100% क्योरेबल, इट इज़ ट्रीटेबल, एंड पीपल डू यू नो टॉक अबाउट देयर जर्नीज. सो आई वुड रिकमेंड के यू नो यू गाइज गो एंड सर्च सर्टन यू नो ऑन यूट्यूब एंड एवरीथिंग, के ऐसे लोग हैं जिनको बुलीमिया भी था, एनोरेक्सिया भी था, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी था, पीका भी था, एंड यू नो दे रिकवर्ड बिकॉज दे हैड प्रॉपर इंटरवेंशन फॉर ट्रीटमेंट. मैम, देन व्हाट अबाउट दैट के साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं वो सिर्फ ट्रीटेबल मैनेजेबल है, वो कभी खत्म नहीं होते, तो इन दिस केस के ईटिंग डिसऑर्डर में वो खत्म हो जाते हैं? नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड ये वाली बात. हु टोल्ड यू के ये वाली चीज़ दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कभी ठीक नहीं होते? ऐसा नहीं है, किसने आपको बोला? जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, देखो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, न्यूरोटिक और साइकोटिक. ठीक है, न्यूरोटिक में आपका डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. लेकिन साइकोटिक के अंदर जो है आपका स्किजोफ्रेनिया आता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जो ट्रीटमेंट होती है फॉर बोथ इज़ अवेलेबल, दे बोथ ट्रीटेबल. दोनों डिसऑर्डर्स जो मैंने टाइप अभी बताया है, एंड एट द सेम टाइम जो जो ज़्यादा साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ट्रीटमेंट जो है वो उस तरीके की ना हो, सॉरी क्योर उस तरीके का ना हो, लेकिन ट्रीटमेंट है, एंड द ट्रीटमेंट इज़ वेरी इफेक्टिव वर्ल्ड वाइड. फैसिलिटीज़ होती हैं उसके अलावा, ट्रीटमेंट की ना प्लेसेस होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, साइकोलॉजिकल फैसिलिटीज, जहाँ पे ट्रीटमेंट होती है एंड पीपल डू क्योर देमसेल्व्स ऑफ दीज थिंग्स. यहाँ मेडिसिन भी यूज़ होती हैं बहुत दफ़ा, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ होती हैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर, नॉट फॉर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स. बट प्लीज़ ये अपने जहन से बात निकाल दें कि ये कोई भी जो चीज़ें हैं ये ट्रीटेबल नहीं है, या ये वापस आ जाती हैं. वापस आती हैं तो हम वापस ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. थैंक यू मैम. मैम, आई ऑल्सो हैड अ क्वेश्चन. जी और डू यू थिंक कि हम लोगों को
वेल आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें. आ रही है आवाज? और किस तरह से आता है? सॉरी, बॉडी डिसमॉर्फिया ईटिंग डिसऑर्डर के साथ हमें कोमॉर्बिड कंडीशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. जब आप अपने देखो अपने अपने आप में जब आप फ्लॉज देखने लग जाते हो एंड अपीयरेंस के, यू नो दिस इज यू, मे बी द नोज इज नॉट राइट, द लिप्स आर नॉट राइट, तो ये इट एक्सटेंड्स टू अ लॉट मोर थिंग्स. अगर एक बंदा अपने अंदर एक जगह पे वो देख रहा है, फॉर एग्जांपल एक सॉर्ट ऑफ खामी देख रहा है, तो वो बाकी जगह पे भी देखता है. तो हाँ, मॉर्बिड होते हैं ये एंड दे कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर. थैंक यू मैम. मैम यहाँ पे एक अरवा ने अपनी एक स्टोरी शेयर की है कि आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, उसने कहा है, बट देयर इज एन एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर. आई हैड पीका एंड वाज डायग्नोज बैक इन कॉलेज एंड व्हेन आई वाज हैविंग सीवियर स्टमक इश्यूज, ऑब्वियसली आई हैड एन आइडिया दैट ईटिंग सीमेंट हैज समथिंग टू डू विद इट. सो आई टोल्ड द डॉक्टर एंड लेटर डॉक्टर पुट मी ऑन आयरन पिल्स. And it helped me a lot, but I still have this urge to eat semen. I think it's more like addiction. You have to fight your urge by telling yourself things like this is not good to you. Ma'am, yahan se mere bhi mind mein waise ek question arise hua hai ki which type of psychology would work with addictions and eating disorders? Dekho, eating disorders ke andar, what do you mean by which type of psychology? देखें, जैसे एडिक्शंस भी होती है ना हमारे पास, ईटिंग डिसऑर्डर्स तो हैं बट एडिक्शंस भी होती हैं, तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी वो एक डिसऑर्डर नहीं है बट वो एक एडिक्शन है? अच्छा देखो, पहले अगर हम इनके क्वेश्चन की बात करते हैं तो द डॉक्टर गेव, मतलब बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहा है तो उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है. तो उन्होंने उनको आयरन डेफिशिएंसी की, यू नो, चीज़ें, टैबलेट्स, व्हाटएवर, पिल्स प्रिस्क्राइब कर दी एंड यू नो शी गॉट बेटर. बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन हुई थी, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं हुई थी. यहाँ पे काउंसलिंग या थेरेपी नहीं आई थी. यहाँ पे एक असेसमेंट प्लान नहीं आया था फॉर द पर्सन. उनकी उन्होंने बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी लेकिन उनकी जो साइकोलॉजिकल उनका जो पैटर्न था टुवर्ड्स ईटिंग सीमेंट उसको किसी ने केटर नहीं किया, विच इज़ वाई शी स्टिल फील्स लाइक कि उनको एडिक्शन अभी भी फील होती है या यू नो शी हैज़ दिस अर्ज टू यू नो गो एंड ईट सीमेंट फॉर एग्जाम्पल. सो Over here, I would recommend कि एक प्रॉपर थेरेपी प्लान होना चाहिए, ट्रीटमेंट होनी चाहिए, एक थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए. देखो, वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, हम एक काउंसलर के पास, एक थेरेपिस्ट के पास, और हम उससे जाके डिस्कस कर सकते हैं कि देखो बॉडी की रिक्वायरमेंट सही है लेकिन मेरा जो मेंटली जो मेरा कॉग्निशन है टूवर्ड्स ईटिंग सीमेंट इट्स स्टिल देयर. तो ऑफकोर्स द पर्सन इज टेलिंग हर सेल्फ के यू नो इट्स बैड एंड एवरी थिंग, बट ये आप अपने लेवल पे कर रहे हो. एट द मोमेंट आई अंडरस्टैंड कि इनको एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है और ये कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होगा इनके लिए. इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ बट इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव. सो आई वुड रिकमेंड कि यू गो सी अ थेरेपिस्ट, यू गो टॉक टू समवन, ऑब्वियसली एक थेरेपी के लेवल के ऊपर जो इस कॉग्निशन को, इस अकरेंस ऑफ एडिक्शन को, इस अर्ज को वो ट्रीट कर सकें. So much, ma'am. Unfortunately, we have reached the end of our time. But ये एक बहुत अच्छा और इंफॉर्मेटिव लेक्चर था हम सबके लिए. अब हमें इसे वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है. So I want to express my deepest gratitude to Ms. Hiba for sharing her knowledge and expertise with us today. Thank you so much, ma'am Hiba. Thank you for having me. So the work of Psych Station. No, ma'am. It's completely okay. So the work of Psych Station in advancing the understanding of human behavior and promoting mental well-being is truly remarkable. And under the visionary leadership of our most respectable founder and CEO, Sir Umar Mushtaq, the organization has achieved numerous milestones and transformed countless lives. We are very, very excited to hear from you, sir,
and learn more about the groundbreaking initiatives that Psych Station is undertaking. Sir, can you please? Assalamu alaikum. Am I audible? You are. Okay, thank you very much, Isha, for your kind words, and thank you, Hiba, for joining us today. और आपने काफ़ी डिटेल में आज जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया. एंड जैसे जैसे ये वेबिनार्स होते जा रहे हैं, मेरे नॉलेज में भी इजाफा होता जा रहा है और मैं बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे सीख रहा हूँ जो कि मैंने शायद अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में नहीं सीखी, बिकॉज आई वॉज़ अ लेजी स्टूडेंट एंड आई वॉज अ बैक बेंचर. तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर दी थी. बट ये ईटिंग डिसऑर्डर वाला जो टॉपिक है, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो मैंने अपने स्टूडेंट करियर में शायद मिस कर दी थी, और आज हिबा ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया. थैंक यू वेरी मच हिबा आपके टाइम के लिए और आपकी एफर्ट्स के लिए. आई होप कि हम जो है वो जहाँ पर बैठी हुई जो ऑडियंस है वो उसने आपके टाइम को जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है, और आपका यहाँ पर आना जो है वो एटलीस्ट ये जो 20-25 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और जो YouTube लाइव पे हमें सुन रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा. और इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे भी जो है वो इन वेबिनार्स को लेके चलते रहेंगे और फर्दर आगे भी जो सीरीज़ हैं उनको चलाते रहेंगे, और साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर जो हमसे हो सकेगा इसका स्कोप जनरेट करने के लिए और कमर्शली इस फील्ड को आगे लेके जाने के लिए डिफरेंट प्रोफेशनल्स को प्लेटफॉर्म पर लेके आने के लिए वो हम ज़रूर करेंगे. जिस तरह से अब आज की जो स्पीकर हमारे साथ हैं इनको भी हमने बड़ी मुश्किल से तलाश किया और फिर जो है वो इनको कांटेक्ट किया, फिर इनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमारे पास एक टाइम अपनी मर्जी का एक निकाल के और थोड़ा सा हमें टाइम दें. तो इसी तरह बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग और भी हैं जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम उनको ढूंढें और उनको यहाँ पे अपने साइक स्टेशन की अम्ब्रेला के नीचे लेके आए, ताकि हम लोग सब जो है वो उससे कोई ना कोई बेनिफिट ले सकें. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच सर. यस मैम, यू कैन कंटिन्यू. मैम हिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Nahi, I just started to say thank you to everyone, to you, to Umar and everyone else for having me here and listening to my sort of session about eating disorders, and I hope it helped you guys. Yes ma'am, thank you so much. ये बहुत इंफॉर्मेटिव था हम सब के लिए, क्योंकि एज अ बैंक बेंचर मैं भी खुद इसी में रही हूँ और मैंने भी ये टॉपिक उस तरह से नहीं पढ़ा था जैसे आज पढ़ा. सो थैंक यू सो मच. And I also want to thank our audience for their engagement and for being a part of this important conversation. And please remember, if you or someone you know is struggling with an eating disorder, reach out to professionals or support organizations for guidance and assistance. There is help available. Lastly, please take a moment to give Psych Station a feedback. Your feedback will help Psych Station improve future webinars and ensure we continue to provide relevant and informative content. Thank you once again and have a wonderful evening. Thank you so much, you all.